हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ सम्स बनाएंगे। मैंने जो बुक उठाया है इस सम को सॉल्व करने के लिए वो है एम एल अग्रवाल फॉर आईसीएसई के हैं। सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं। सीबीएसई आरटी शर्मा को फॉलो करता है और आईसीएसई एम एल अग्रवाल को। दोनों एक दूसरे के बुक को फॉलो कर सकते हैं, इससे स्टूडेंट को ही फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ऑन हाउ मेनी वेज कैन फाइव चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू। मतलब कि पांच बच्चे एक क्यू में, एक लाइन में कितने डिफरेंट वेज से खड़ा हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर किसी को परम्यूटेशन नहीं आता है तो क्या करता है, इसको कितने डिफरेंट वेज को कैसे सॉल्व करता। पहले वो लाइन बनाता S1, S2, S3, S4, S5, फिर उसके बाद वो एक एक करके एक एक का पोजिशन चेंज करता। S2 को ऊपर लाता, S1 को नीचे लाता, फिर S3 को ऊपर लाता, S2 को पीछे लाता। ऐसे करते करते कितने सारे पॉसिबल केसेस वो बना सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे पास लकीली फार्मूला है तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये कॉमन सेंस से सोचना होगा कि एक लाइन है, उस लाइन में हर बच्चा का पोजिशन अपना अपना मार्क है, और इसको हम बक्से से दिखाने की कोशिश करते हैं। चार पाँच पाँच पोजिशन है, तो इस पोजिशन पे जितने भी बच्चे आएंगे वो पाँच आएगा। फाइव पॉसिबल केसेस है यहाँ पाँच बच्चे आने के, लेकिन यहाँ पर एक बच्चा कम आएगा। जो बच्चा पहला बच्चा जो यहाँ आ चुका है वो बच्चा तो यहाँ नहीं आ सकता, जो यहाँ सेट हो चुका है। इसमें फोर आएंगे। अब जो यहाँ आ चुके वो यहाँ नहीं आएंगे तो थ्री आएगा। जो यहाँ आ चुका वो यहाँ नहीं आएगा, टू, ये वन। तो ये क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डैट इज़ इक्वल्स टू 120। लेकिन अगर हम फार्मूला के ज़रिए जाएँ तो 5P5, मतलब यहाँ n क्या है, 5 है, और वैकेंट प्लेसेस भी 5 है। तो 5P5 से जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल, 5 − 5 फैक्टोरियल 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला 120। तो मैंने इसे दोनों पॉसिबल टू मेथड से सॉल्व किया है। आपको जो सुविधा लगता है आप वो कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे सम को सॉल्व करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन सिक्स वुमेन ड्रॉ टैप वाटर फ्रॉम सिक्स टैप्स एंड इफ नो टैप रिमेन्स अनयूज्ड। मतलब कितना डिफरेंट वेज है कि छः वुमेन, छः टैप दिया हुआ है, ऐसा करके छः टैप है, तो उन छः टैप से वुमेन पानी निकाल सकती है, और कोई भी टैप अनयूज नहीं होना चाहिए, मतलब सबका सारे टैप को यूज़ करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले टैप में छः वुमेन, तो दूसरे टैप में जो ये पहले टैप में जो वुमेन जा चुके वो दूसरे टैप के लिए नहीं है, तो ये पांच वुमेन। ऐसे करके ये कितना होगा, 6 फैक्टोरियल, तो ऐसे ही दिख रहा है जो कि 720 है। लेकिन अगर परम्यूटेशन से सॉल्व करें सेम वही 6P6 कर दीजिए, जो कि खुद ब खुद 6 फैक्टोरियल / 0 फैक्टोरियल 720 ही आएगा। दोनों मेथड से हमने इसे सॉल्व कर दिया दोस्त। चलिए थर्ड नंबर, सबसे लास्ट क्वेश्चन को उठाते हैं, जो थोड़ा सा हार्ड भी लगेगा और अच्छा भी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, देर आर 8 ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स इन अ क्वेश्चन पेपर, इन हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। 8 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। अब आप ये सोच के देखिए कितने पॉसिबल आंसर बन सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि एक क्वेश्चन के क्या आंसर, दो आंसर, दो पॉसिबल है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, और यहाँ तो टोटल 8 क्वेश्चन है, तो इसे बनाया कैसे जाए। ये सोच के चलिए कि 8 क्वेश्चन के लिए 8 डब्बा बना लीजिए, 4 हो गया, 5, 6, 7 और 8, 3, 3, 6, 2, 8, 8 क्वेश्चन, 8 डब्बे हो गए दोस्तों। अब आप ये सोचिए, अगर मेरे पास 8 डब्बा है तो मैं पहले डब्बे में क्या, पहला डब्बा क्या दिखाता है, एक क्वेश्चन को दिखाता है, और पहला क्वेश्चन क्या बताएगा, पहला क्वेश्चन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब इसके पास टू आउटकम्स हैं, दो। उसी तरीके से दूसरे डब्बे के पास या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ये भी टू, इसे तीसरे भी, ये ऐसे करते करते सब टू से भर जाएगा, और टोटल डब्बे कितने थे, 8, मतलब 2 का पावर 8 कितना हो गया, 256। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये वाला भी हमने सॉल्व कर दिया। इसमें जनरली एक और प्रॉब्लम ये होता, कुछ बच्चे इसे 8P2 करके मान लेते हैं, तो बोलते हैं कि सर टोटल 8 है, क्योंकि टू और फॉल्स टू है, एक या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसलिए हमने 8P2। ये बिल्कुल गलत होता 8P2 करते तो,
क्योंकि अगर टोटल 8 है और यहाँ पे तुमने 2 कर दिया तो ये तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। क्योंकि 8 फैक्टोरियल बाय, पहला तो ये लॉजिकली इसीलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 8 क्वेश्चन में किसी दो क्वेश्चन को तुम करेक्ट कर रहे हो, उस तरीके का पॉसिबल केस लग रहा है ये। और अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं सर हम इसे 8P2 बना करके ऐसे करते हैं, टोटल इसको पहले क्वेश्चन के लिए 8P1, दूसरे के लिए 8P2, 8P3, 8P4, 8P5, 8P6, 8P7, 8P8 सबको प्लस कर देते हैं, तो भी ये गलत होता। क्योंकि इस तरीके का वे से आप डबल ट्रिपल बार काउंट कर ले रहे हो एक ही पॉसिबल केस को, और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग होता। ये राइट वे होता कि 8 डब्बे बनाओ, 8 डब्बे में एक डब्बे में देखो कि इसका आंसर क्या पॉसिबल वे है। इसका दो पॉसिबल वे है आने का आंसर, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स, तो दो पॉसिबल रख दो। दूसरे का भी वही है 2 है तो 2 रख दो, तीसरे का भी वही है, उस तरीके से 2 का पावर 8 रख दो और आपका अरेंजमेंट आ जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे का टॉपिक हम लोग लेंगे कॉम्बिनेशन विद रेस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।